हेलो, अगर आपके पास बिटकॉइन है और आप उनको बेचना चाहते हैं और बेचकर उनको अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं इंडियन रुपीज़ को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिटकॉइन को सेल करके और उनको जिस तरह से हम जेपे में विड्रॉल मारते थे उस तरह से हम उस एक्सचेंज से विड्रॉल मार सकते हैं आज की तारीख में, और 2-3 घंटे में आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कोइन इंडियन एक्सचेंज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए उसको और ज्वाइन कीजिए। और लिंक मैंने रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। आपको एक TUSD फ्री मिलेगा जो कि 130 रुपये का है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बाइनेंस में जाके उस फंड ऑप्शन में के तहत माई बैलेंसेज में जाके मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट किया, वहाँ से बिटकॉइन के आगे जो लिखा हुआ था विड्रॉल उस पर क्लिक किया। जैसे विड्रॉल पे क्लिक हुआ, यहाँ स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, ऊपर मैंने BTC विड्रॉल एड्रेस यहाँ पे मैंने COINDCX से कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और अमाउंट में मैंने विड्रॉल जो अमाउंट मेरे पास है इस अकाउंट में जितनी भी है वो मैंने सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, और नीचे सबमिट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर मैंने क्लिक किया है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से बताता हूँ, ये है मेरा डिपॉजिट का एड्रेस COINDCX में, COINDCX में तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसमें लिखा है कि एक अमाउंट बार डाल दिए, विड्रॉल और लगाओगे ये कह रहा है यहाँ पे कि तो दो आपके करोड़ पास से भी कंट्रोल्स ऊपर नहीं के मिल बारे जाएगा, तो में ये अकाउंट पे जमा हो जाएगा। इसके बाद सबमिट में बटन पे क्लिक किया, ही इसे सबमिट जैसे कर सबमिट देते बटन हैं। पे क्लिक किया इसने गूगल ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो ये गूगल गूगल ऑथेंटिकेशन मांगा ऑथेंटिकेशन है डाल रहा है। तो हम गूगल ऑथेंटिकेशन डाल देते हैं। हम ईमेल चेक करता हूँ और वहाँ से ये ईमेल आ चुकी है कि आप बाइनेंस की तरफ से आया है, जो रजिस्टर्ड ईमेल है मेरा उस पर, कि क्या आप ही हैं जो विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड्रेस और अमाउंट देख के आपको यहाँ से कंफर्म करना है, जैसे आप कंफर्म कराओगे वो रिक्वेस्ट बाइनेंस के अंदर प्रोसेस हो जाएगी। कंफर्म करने से पहले आप एक बार अपना बिटकॉइन का जो डिपॉजिट का एड्रेस है COINDCX का वो एक बार देख लें अच्छी तरह से कि पूरा सही है, ताकि सही जगह ही वो बिटकॉइन सेंड हो। ठीक है, तो इस तरह से विड्रॉल रिक्वेस्ट लग गई है। अब बिटकॉइन मेरा जो बाइनेंस में पड़ा था वहाँ से निकल के COINDCX एक्सचेंज में आ जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद में हमें जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिटकॉइन हमारे COINDCX के एक्सचेंज के अंदर आ चुका है। अब इसको करना है हमें, बिटकॉइन को हमको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर से INR सेलेक्ट किया, और अब बिटकॉइन के सामने जो लास्ट बटन है ट्रेड वाला उस पर क्लिक करेंगे, ताकि बिटकॉइन को अभी हमें सेल भी तो करना है, तो ये ट्रेड बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे जाके करंट रेट या जो भी रेट है बिड आप लगा सकते हो बिटकॉइन सेल करने के लिए। सिंपल लगता है जैसे हम और एक्सचेंज में लगाते वैसे ही। यहाँ पे जैसे मैं ऑर्डर लगा चुका हूँ, और नीचे वो शो कर रहा है आपको। विड्रॉल करना है तो इसके लिए मैं ये इंडियन रुपीज है, इसके आगे जो विड्रॉल का बटन है इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा, 100% विड्रॉल करना है, और वेरीफाई बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ये OTP आएगा मेरे मोबाइल पे, जा चुका है 9652221, कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, विल बी रुपीज। जैसा कि आपने देखा, 7:40 पे मैंने ये विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाई है, और इसमें 4,195 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हो गए, 10 रुपये कट जाएंगे प्रोसेसिंग जो विड्रॉल की फ़ीस है इनकी। 26 अप्रैल को ये 7:40 पर ये मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई है जो पेंडिंग दिखा रहा है, और
ये है लगभग एक घंटे के बाद में, 8:40 के 8:30 के आसपास ये यहाँ पे कोइन डीसीएक्स की वेबसाइट में यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग खोल के देख लेता हूँ कि मेरे खाते में क्या ये जमा हो गए हैं 4,195 रुपये। तो चलिए मैं आपको नेट बैंकिंग दिखा देता हूँ मेरी, जो मैंने ओपन कर रखी है। ये यहाँ पे ये अमाउंट मेरे खाते में ये आ चुका है, और ये नीचे देखिए आप, ये ट्रांजैक्शन है ये हो चुका है। और इस तरह से 1 घंटे के अंदर ही इस वेबसाइट, इस एक्सचेंज ने हमारे हमको विड्रॉल दे दिया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।